प्रधान जी, कल बताया जा रहा है जो युवा किसान नेता अनीस कक्कड़ को भी उठाया गया और आज आप लोग थाना में पहुंचे हो, गुरनाम सिंह चटोनी पहुंच रहे हो, तो क्या कुछ मामला पूरा बताओ। यहां पर जो है जिला जींद के अंदर एक मांग उठी थी मुआवजे की, जो फसल खराब हुई थी तो सभी ब्लॉकों के जो है सबके जो है मुआवजे आ चुके थे, लेकिन सिर्फ एक अलेवा ब्लॉक ऐसा था जहाँ का मुआवजा नहीं आया, क्योंकि ये सब जो है प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। तो इस मांग को उठाते हुए एक बार जो है खटकर टोल के ऊपर जो है एक धरना दिया गया था, खटकर टोल को बंद किया गया था। उस संदर्भ में एक मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया कि भाई बिना कारण टोल को रोका गया। तो ये जिनके ऊपर मुकदमा, वो 16 आदमियों में से जब हमें इसकी इंटीमेशन मिली थी, तो सबने पहले यही फैसला किया था कि भाई हम जमानत नहीं करवाएंगे, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो उसमें से क्या हुआ, वो 10 लोग अलग से जा करके उन्होंने पहले जमानत करवा ली। तो ये होने के बाद जो है पुलिस कोर्ट ने इनको पीओ घोषित कर दिया। इसके बाद कल अनीस खट्टर को घर से उठा लिया। तो उसके उठाने के बाद जो बाकी 5 आदमी और थे, उन्होंने भी ये फैसला किया कि भाई अगर अनीस अकेला, हम अनीस को नहीं जाने देंगे, हम भी इसके साथ गिरफ्तारी देंगे। तो आज उन्होंने भी जो है यहाँ पर को आकर के आत्मसमर्पण कर दिया। प्रधान जी, क्या केस लगाया गया है, क्योंकि टोल बंद करने का तो केस नहीं हुआ, कुछ और ही मिलेगा? और कोई केस नहीं है सर, जो है उसके अंदर यही था कि सरकारी काम में बाढ़ डालना और रोड रोकना, यही मुकदमा है और कोई मुकदमा नहीं। अच्छा, देखो प्रधान जी, अगर त्योहार की बात करें, कल त्योहार भी है और त्योहार से पहले उठाना, आज आप गिरफ्तारी दे रहे, कहीं ना कहीं एक अंधेरा छा परिवार में, एक बेगम छा सदस्य ऐसा है। प्रशासन ने पहली बात तो जो है, क्योंकि हम सब लोग जो है सामाजिक आदमी हैं और इन त्योहारों को सभी मानते हैं, परंतु प्रशासन ने जो किया, अगर आज अकेला हम अनीस को छोड़ देते, तो कल जब आज अनीस को केस करते तो अनीस को हो सकता है लंबे टाइम तक जो है जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट भेज सकती थी। तो हमने इसमें यही जो है फैसला लिया कि भाई बाकी जो 5 आदमी थे, इन्होंने भी ये कहा कि नहीं, हम भी अनीस के साथ ही जाएंगे, त्योहार हम बाद में ही मनाएंगे जब हमारे सारे मुकदमे जो है खारिज हो जाएंगे। तो प्रधान जी गिरफ्तारी दे दिया? हाँ, आज उन्होंने गिरफ्तारी दी, आत्मसमर्पण किया, गिरफ्तारी नहीं। अच्छा, जो 6 लोग थे सभी नहीं दे। जमानत के लिए आगे का क्या कुछ? अभी जो है कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ पर जो है जमानत की याचिका लगाएंगे। अगर आज जमानत आज होती है तो आज, कल होती है तो कल, जब भी जो है कोर्ट देगी तो हम जमानत करवाएंगे। देखिए, जो भूपेंद्र साहब ने चीज बताई है, सारी चीज क्लियर है। ये चीज भाई ठीक है, एजिटेशन तो हम करते आ रहे थे, कभी कभी यह हो जाता है, जब एजिटेशन ढीला हो जाता है तो गवर्नमेंट हैवी हो जाती है, और हमारा आज यही कारण था कि हमारा एजिटेशन कई दिन हो गए थे रुका हुआ था, वो थोड़ा सा हमने उठाने की कोशिश करी किसानों के मुआवजे के लिए, तो इन्होंने केस बना दिए। केस बनाने के बाद भी हमने गिरफ्तारी नहीं दी, गिरफ्तारी नहीं दी तो इन्होंने हमारा जो केस था कोर्ट में भेज दिया, कोर्ट ने पीओ घोषित कर दिया। पीओ घोषित करने से दैट मीन्स भगोड़ा, तो उस करके आज एक अनीस को उठाने से सारे टोल प्लाजा खटकर में रोष था कि हमारा भाई अकेला क्यों उठाया गया। तो इस करके उसी के बचाव के लिए, उसी की मदद करने के लिए आज ये जितने भी किसान नेता आए हुए हैं और दूसरे जो बंदे थे जिनको पीओ घोषित किया हुआ था, वो भी साथ में आज गिरफ्तारी दी। मैं ओम प्रकाश, सर्वदाचीय प्रधान कंडेला का। आज जो किसानों ने जो आत्मसमर्पण किया है, पहले भी किसान 8-10 किसान इसी प्रकार कर सके हैं, कर चुके हैं और उनकी जमानत हो चुकी है, आज इनकी भी जमानत इसी प्रकार होगी। जमानत लेने वास्ते इनकी अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो टोटल 16 थे, 10 ने जमानत, हाँ 10 ने पहले किया है, 8 ने एकदम एक बार और 2 ने एक बार। अच्छा, 10 तो पहले ले गए, ये 6 थे। अच्छा, आज ये तो इनमें महिलाएं भी बताई? हाँ, 2 महिला हैं इसमें, इनके अंदर 2 महिलाएं हैं, एक का नाम अनीता है और एक बोबली है, और 4 आदमी है। अच्छा, क्या केस था प्रधान जी, की कौन सा केस लगे? लड़ेवा का लगे है, जो अड़ेवा में इनकी तहसील में जो धरना दे रहा था नहीं, वहाँ का केस लगे है। जमानत मिल जाएगी, 1-2 दिन में जमानत मिल जाएगी तुमको। हाँ, तो शायद अगर डीसी ओ जज साहब का मूड में आ जाए, कल भी दे सकता है, क्यों त्योहार है, आज भी दे सकता है, वो तो जज पर डिपेंड करता है। क्या कुछ कहना चाहो, किसान में गिरफ्तारी दे रहे, आत्मसमर्पण कर रहे,
भी हमारी मजबूरी होगी। देखो हम चाहे कभी हम करया नहीं करते, क्योंकि आज तक भी मैंने तो लगा जब तक आंदोलन चल रहे हैं आज तक किसी किसान ने गिरफ्तारी कौन दे, लेकिन आज पहली बारी सा देखा भी गिरफ्तारी देनी। और हमारे तो पैर काट रखे, रात काट रखे, क्योंकि जो हमारे 10 किसान नेता पहले थे उन्हें जमानत ले ली थी। ये हमारी भी मजबूरी होगी भी एपीओ घोषित हो रहे थे भी इन्हें जमानत लेनी पड़ी थी, और क्योंकि कल रात ने अनीस ने गिरफ्तार कर लिया था। अगर गिरफ्तारी अगर अनीस की होती तो हमने सोचा ना भी वो कल्ला ने ली है उसका गलती माना, लेकिन अपने जो 10 किसान नेता उन्होंने पहले जमानत ले थे इस मजबूरी तो अच्छा है अपने किसान नेता ने गिरफ्तारी देनी पड़ी। कल अनीस को किस टाइम पुलिस लेके आई? कम से कम 6:30 बजे शाम ने। हाँ, और देखो भी प्रशासन वाला की भी चुगर तक चुगर कोई गंगेस्टर वगैरह नहीं होकर पूरा घर घेर लिया नुको है। और लेडीज पुलिस भी गल है, कम से कम 100 पुलिस वाले गल है, और कम से कम लेडीज पुलिस 20 लेडीज पुलिस। ये देखो भाई कोई ऐसा जुर्म तो कर लेगा, हमने डकैती मार रखी थी कि समाज का काम कर रखा था, समाज का काम करने वाला मैंने भी प्रशासन वाले उठा कर ले जाया है। कौन सा ये समाज है मैं तुम्हें कहूँ, जब तक अपना समाज में यही चीज चल दिया ही। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगी देखो गलती अपने तो रही, जो अपने जो किसान है तभी चलो उनकी के मजबूरी थी ना जमानत ले उनकी, या जमानत लेने की बहुत बड़ी गलती थी राज या सबने सहेदगी। मैं तुम्हें कहूँ आपे तो वो थे जो आपे धरती पर लड़का लड़ाई लड़ा कर दे और प्रशासन जो क्या करता, आज आपे खुद खुद प्रशासन का पे बरना का गाय। हाँ देख मैं मजबूरी है मानू, क्योंकि आज तक भी देखो मैंने जब तक आप आंदोलन लड़ता है प्रशासन वाले अपने टोल पर पहुंचा कर दे, आप डीसी में बुला दे डीसी भी अपना राज आप खुद थाना में आकर बैठे हैं। अल्लाह देखो किस चौक के करीब पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, तो क्या मामला है, कौन सा केस लगे आए कुछ भी केस को नहीं, हमने जुकर अपना अड़ेवा मुआवजा खातर आप किसान बैठे थे और अपने बीजेपी वाले शायद वो रैली में जाते हैं हमने उनका विरोध करा था, अभी देखो हम लोग आड़े बैठे रहा आप रैलिया में पहुंचो। तो आगे क्या कुछ प्रोसेस है आगे की? तो देखो जो हमारे किसान नेता जो बोलेंगे हम उसी चीज ने फॉलो करांगे, जो कहोगे भी देखो हम तो नुचा भी हमारे किसान नेता की आज जमानत हो जाए, क्योंकि कल त्योहार है सबके घर में त्योहार मना जाओगे, कल रक्षाबंधन है तो ये गिरफ्तारी देना, देखो कहीं ना कहीं परिवार में भी परिवार में हमारी भी मजबूरी होगी, क्योंकि कल अनीस गिरफ्तार कर लिया और प्रशासन में चाहे त्योहार हो और ये जेल में रहा, हम तो कहा जो जज बैठे हमारी आज जमानत होगी तो बढ़िया बात है, लेकिन कहा करे दुख की घड़ी है तो भी तो करना ही काम है, और क्या दुख की घड़ी है वो कहा करे भी जेल में जाना है तो क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। खट्टर ने भी कहा था ये नेता जब बड़का होगा जब ये जेल में तावेगे डंडे डुंडे खाकू का, लेकिन हम तो कहा हाँ कुछ मार में कमी की वजह था आज सारा परिवार मारा टूट गया है।